नमस्कार मित्रों, मैं सुनील कुमार प्रजापति ट्रिपल एसपी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः आपके लिए यानी यूपी टेट के परीक्षार्थियों के लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का खजाना लेकर आया हूं और ये कुल 13 ही प्रश्न है। क्योंकि बड़ा वीडियो न हो सके, मात्र आधे घंटे का अधिकतम होगा। इस आधे घंटे में हम लोग परीक्षा हाल में बैठकर प्रश्नों को कैसे जल्दी से उत्तर दे सकते हैं ये भी सीखेंगे। और ये जिन प्रश्नों को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है उन प्रश्नों में काफी संभावनाएं हैं। अगर ये प्रश्न आप समझ लेते हैं तो इस टॉपिक्स पर आए हुए प्रश्न आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, उनका उत्तर बहुत शीघ्रता से आप दे लेंगे। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 12, 15, 16 से भाग देने पर 7, 10, 11 शेष बचे। आप ये जान लीजिए कि कोई भी छोटी सी छोटी संख्या की बात होती है और वो किन्हीं संख्याओं से विभाजित होती है, तो ऐसी छोटी संख्या एलसीएम होती है, यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लघुत्तम समापवर्ती होती है। तो हम लोगों को 12, 15, 16 का एलसीएम निकालना चाहिए। तो 12, 15, 16 का एलसीएम हमको निकालना है। एलसीएम माने लसप। अब देखिए इसका एलसीएम हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। तो आप मान लीजिए कि इसका 16 एलसीएम है, ये भी जान लीजिए कि ये जो संख्याएं दी रहती हैं इनसे बड़ा एलसीएम होता है। तो इसमें एक संख्या 16 है जो सबसे बड़ी है, हम मान लेते हैं कि यही एलसीएम है। अब एलसीएम की विशेषता क्या होती है? अगर ये एलसीएम है तो ये 12 से विभाजित होना चाहिए। तो 12 से तो ये 16 नहीं कटेगा, क्यों? अगर इसमें 3 गुणा कर दिया जाए 3 से तो ये 12 से कट जाएगा, क्यों? देखिए अगर नीचे 12, 3 चौके 12, 4 चौके 16, ये 12 से कट गया। अब देखिए इसे 15 से भी कटना है तो 15 से कटने के लिए इसमें 5 का होना जरूरी है, तो ये 5 से इसमें गुणा कर देंगे, 16 से ये कट ही जाएगा। तो अब ये 12 से संख्या कट गई, 15 से कट गई, 16 से कट गई, इसका मतलब यही एलसीएम हो सकती है। तो 16 5 80 और 80 में 3 का गुणा करेंगे तो 240, तो 240 तो एलसीएम आ गया। लेकिन हमको ये भी बताना है कि उस संख्या में, जिस संख्या की ये बात कर रहा है, उसमें 7 11 शेष भी बचता है, यानी 12 से भाग देने पर ये पूरा पूरा कट रहा है, शेष बचना है। तो इस शेष जो बच रहा है इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि 12, 15, 16 इसमें से ये शेष घटा देते हैं। देखिए ये शेष था, इसको हम लोग माइनस किए, माइनस करने पर 5 आया, यहां भी 5, यहां भी 5। अगर ये सभी एक समान संख्या आती है, यानी देख रहे हैं कि सभी जगह 5-5 आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 5 माइनस कर देंगे, तो जो अभिष्ट हमारी संख्या होगी यानी जो उत्तर होगा वो 240 में से 5 माइनस करने पर मिलेगा, जो यहां पर कॉमन मिला है घटाने के बाद। तो 240 में से 5 घटा देंगे तो 235 होगा, तो 235 इसका आंसर होगा। तो 235 वह संख्या होगी, अगर इस संख्या में 12, 15, 16 से भाग देंगे तो यही आपको शेष मिलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी एलसीएम एचसीएम पर ही आधारित है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती यानी एलसीएम 120 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का मौसप है यानी एचसीएफ नहीं हो सकती, यानी इनमें से जो संख्याएं दी हैं 8, 12, 24, 35, जिन दो संख्याओं का ये एलसीएम है उन दो संख्याओं का ये इनमें से वो मौसप नहीं हो सकती। तो मौसप आप आज से जान लीजिए या आप जानते होंगे कि जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम को भी डिवाइड करता है, एचसीएफ एलसीएम को भी डिवाइड करता है। तो देखिए 120 35 से डिविजिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि 35 में 7 है और 7 120 से कटेगा नहीं, बाकी सारी संख्याएं ये 120 को विभाजित कर देंगी। तो ये वाला जो आंसर है यानी 35 जो संख्या है यही वह संख्या है जो जिन दो संख्याओं का ये एलसीएम है उन दो संख्याओं का ये मौसप नहीं हो सकती। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 से 200 के बीच में कितने पूर्णांक हैं जो 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य हैं? देखिए ये चीज जानने के लिए कि किसी भी संख्या से कोई संख्या विभाजित होती है तो ये कैसे पता करते हैं? देखिए 1 से लेकर के 200 दिया है, 1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5, 6, तो 2 और 3 से वही संख्या विभाजित होगी जो 6 से विभाजित होगी। तो देखिए 6 इसमें पहली संख्या मिलेगी,
फिर 6 से डिवाइड होने वाली दूसरी संख्या 12 मिलेगी, फिर अगली संख्या 18 मिलेगी। यानी जो संख्या 2 और 3 से डिवाइड होगी वो 6 से डिवाइड होगी, तो 6 वाली संख्या हम लोग पता कर लेंगे जो संख्या 6 से डिवाइड होती है। तो देखिए 6 मिलेगा, 12 मिलेगा, 18 मिलेगा, इसी तरह की संख्याएं मिलती जाएंगी, 18 के बाद 24, 24 के बाद 30, तो 6 से डिवाइड होने वाली वो संख्याएं मिलती जाएंगी। तो इसे कैसे गिनेंगे, तो इसमें सबसे आसान तरीका ये है कि जो 200 है, 200 है, इसमें 6 का भाग दे देते हैं, तो 6 का भाग देंगे तो 36, 18, देखिए 10 में से 8 गया 2, और यहां पर फिर ये 0 हो गया यानी 20 हो गया, फिर 36, 18, तो ये जो 33 आया, 33 संख्याएं 1 से लेकर के 200 के बीच में ऐसी मिलेंगी जो 6 से विभाजित होंगी। जितनी बार, जैसे हम ये कहते कि 1 से लेकर 20 तक में कितनी संख्याएं मिलेंगी जो 6 से विभाजित होंगी, तो आपको क्या करना है, 20 में 6 से भाग दे देना है, तो 36, 18 शेष नहीं लेंगे, तो देखिए ये 2 आ गया, तो 3 संख्याएं ऐसी मिलेंगी 1 से 20 तक के बीच में जो आपको 6 से डिवाइड होंगी। देखिए एक संख्या 6 मिल रही है, एक 12 मिल रही है, एक 18 मिल रही है, जो 6 से डिवाइड हो रही है, 6, 12 और 18, 1 से 20 तक के बीच में ये संख्याएं मिल रही हैं। अगर कहता है कि 3 से या 2 से तो ढेर सारी संख्याएं मिल जाती, लेकिन कह रहा है कि जो 3 से भी विभाजित हो और 2 से भी विभाजित हो, तो 3 और 2 से विभाजित का मतलब 6 से विभाजित हो, तो 6 से विभाजित होने वाली संख्या 1 से 20 तक में 3। इसी टेक्निक से, इसी कंसेप्ट से हम लोग यहाँ भी प्राप्त कर लिए, तो आंसर क्या आएगा, 33 आएगा, तो इसका आंसर 33 होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर शेष 1 बचता है, यदि भागफल को 5 से भाग दें तो शेष 3 बचता है, यदि इस संख्या को 65 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। ये देखिए बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इस चीज को हम लोगों को कैसे समझना होगा, तो आइए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये 25 है और यहां पर 3 से इसमें भाग दिए, तो 3 × 8 = 24, देखिए 5 में से 4 गया, 1 शेष बचा। ये जो भागफल आया, इस भागफल में हम कहें कि 6 से भाग दिया जाए, तो इस भागफल में 6 से भाग देंगे तो 6 × 6 ये 2 शेष बचेगा। तो ये 25 एक ऐसी संख्या मिली जिसमें 3 से भाग दिए तो 1 शेष आया, और ये भागफल है, इस भागफल में फिर एक दूसरी संख्या 6 से भाग दिए तो यहां पर शेष 2 बचा। अब इस संख्या में हम ये कहें कि 8 से भाग दें या कोई और संख्या मान लें कि 9 से भाग दें इस संख्या 25 में, तो कितना शेष बचेगा, तो 25 में 9 से भाग देंगे तो 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, तो 2 बार जाएगा, तो 15 में से 8 गया 7, तो 7 शेष बचेगा। इसी बात को हम लोगों को गणित की भाषा में यहां पर काम करना है। तो हमको ये पता नहीं है कि 13 से विभक्त करने पर शेष बचता है, वह संख्या क्या है ये पता नहीं है। तो मान लीजिए कि वह संख्या n है, n को 13 से भाग देते हैं, कैसे भाग देते हैं, देखिए ये n संख्या है, 13 से भाग देते हैं तो भागफल मान लीजिए कि क्यूब आ गया, क्यू एक संख्या है, क्यूब आ गया और शेष 1 बचा। अब इस क्यू को हम लोग कैसे लिखते हैं, एन को एन बराबर, यानी यहां पर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष, तो भाजक 13 है, भागफल क्यू है और धन शेष 1 है। अब ये जो भागफल है इसमें 5 से भाग दिया गया है, तो Q को 5 से भाग दिया गया, तो मान लीजिए कि दूसरा भागफल कैपिटल Q आ गया और इसमें शेष कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, तो ये शेष बचा। तो अब इस संख्या में अगर ये हमको पता चल जाए कि ये संख्या क्या है तो हमारा काम चल जाए। तो अब देखिए लिखेंगे n बराबर 13, इस Q की जगह पर ये मान रख देंगे 5Q + 3 = 1, अब 13 का इसमें गुणा करेंगे तो देखिए 13 × 5 = 65Q + 13 × 39 = 1 और धन 1 पहले से है, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो गया 65Q + 40। अब देखिए ये n बराबर, तो 65 से भाग दिया गया, 65 से भाग दिया गया, तो जो भागफल ये
फाइव से भाग देने पर जो भागफल आया था वही भागफल यहाँ भी देखिए आ रहा है और शेष आ रहा है 40। तो शेष ही पूछा है कि शेष 65 से भाग देने पर देखिए 65 क्यू धन 40, तो 65 धन ये भागफल है, इनका गुणा करेंगे और शेष जोड़ेंगे तो ये संख्या मिलेगी। तो इसमें आंसर क्या आ गया, 40 आ गया। तो 65 से भाग देने पर शेष जो बचेगा वो 40 होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी संख्या पद्धति से ही है। यदि ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 है, तो ए का मान इनमें से क्या होगा, ये कैसे पता। ये बड़ा आसान है, एक कंसेप्ट पर आधारित है। जो धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक को ही प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर के दो क्रमागत संख्याओं का वर्गों का अंतर उनके योग के बराबर होता है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब नेचुरल नंबर है, इनमें से कोई दो क्रमागत संख्या ले लीजिए, ये हमने ले लिया, तो 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग इनमें से घटाएंगे, देखिए 25 माइनस 16 तो ये 9 आएगा। तो दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का जो योग होता है इन दोनों संख्याओं के योग के बराबर होता है, यानी 5 धन 4 के बराबर होता है, इनके वर्गों का अंतर 5 धन 4। आप कोई भी देख सकते हैं, जैसे 7 स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर ये 13 हो जाएगा, आप देख सकते हैं 49 में से 36 घटाएंगे 13 आएगा। ये किस पर आधारित है, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो a माइनस बी इस केस में देखिए अवकाश 7 में से 6 गए 1 आएगा और फिर ये दोनों जुड़ जाता है 7 6 13। इसी कंसेप्ट पर ये बात आधारित है। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 19 दिया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 19 दिया है। इसका अर्थ है कि a माइनस बी और a प्लस बी बराबर 19 होगा। तो a माइनस बी, अगर a को हम लोग 10 और b को 9 ले लें, तो देखिये यहाँ पर 10 9 19 ये आ गया, और 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो 1 × 19 यानी 19 आ गया। तो 1 किसके बराबर होगा, ए 10 के बराबर होगा। तो ये कंसेप्चुअल, ये ही नहीं और इस पर बेस्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर उनके योग के बराबर होता है, आप इस कंसेप्ट को लेकर चलेंगे, इस तरह के कोई भी प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस चीज को, इस तथ्य को आपको समझना पड़ेगा। जैसे हम लोग 2.5 लिखते हैं तो 2 से ही 1/2 लिखते हैं, इस 2.5 को 2 धन 1/2 लिखा जाता है। इसका मतलब है कि 2 और आधा, और 1.5 को हम लोग 1 से ही 1/2 लिखते हैं, इसी को लिख सकते हैं 1 धन 1/2। इसका मतलब होता है ये सही और बटे में जो चीज रहती है वास्तव में उसका सेंस ये होता है। यहां पर जो चीज दी हुई है उसका यही अर्थ समझ करके ही ये प्रश्न बनाया गया है। यहाँ पर देखिए 999 98/99 × 99 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, 999 धन 98/99 ऐसे करेंगे और इसमें गुणा है 99 का, तो 99 का गुणा इसमें करेंगे, 999 × 99 धन 98/99 × 99। देखिये 99 से 99 कट गया, अब क्या होगा, यहां पर 999 में 99 का गुणा करना है। तो एक आसान तरीका यह है कि ये 1000 है, देखिए 1000 है, 1000 में से 1 घटा देंगे तो 999 मिलेगा और ये 99 का इसमें गुणा करना है, धन यहां पर 98 बचेगा। तो देखिए ये 99 का 1000 में गुणा होगा तो ये 99000 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और इसमें से 99 घटाना है तो आप चाहें तो यहां घटाकर देख सकते हैं, इसमें से 99 माइनस करना है तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, यहां पर 8 बचेगा, यहां पर 9, ये 9, तो यहां पर आपको जो चीज बची देखिए ये 98, यहां इनके घटाने के बाद आ गई 9 8 0 1 और इसमें 98 जोड़ना है। तो देखिए 8 1 9 होगा और 9 और 0 मिलकर 9, फिर ये 8, फिर 9 9, यानी 99899 99899 इसका आंसर होगा, तो आंसर सी होगा। तो इस चीज का देखिए यहां और कुछ नहीं था, ये थोड़ा सा गुणा बड़ा था जो कि आपको परेशान कर सकता था, उसको हल करने के लिए ये टेक्निक्स अपनाई गई
और बाकी बिल्कुल गुणा ही था। और यहां पर ये जो चीज, अगर आप इस चीज को ऐसे नहीं लिखते तो ये आपके लिए कठिन हो सकती थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सर्च का क्वेश्चन है, यानी हम कहें कि रेशनल और इरेशनल के बीच वाली ये जो संख्या होती है उस पर, ये करणी पर आधारित ये क्वेश्चन है। इसको करने का एक तरीका है, हम लोग इस तरीके में इस तरह के फार्मूले बहुत यूज करेंगे। देखिए इस फार्मूले को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका यहां पर यूज होता है। ये बड़ा यूजफुल फार्मूला है। यहां पर देखिए ये वैल्यू हमको ए और बी की निकाल सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू पूछा है, तो यहां से नीचे से जो ये हर है इसको गायब करना है। तो इसको गायब करने के लिए देखिए ये प्लस दिया है, ये प्लस दिया है, माइनस से गुणा कर देंगे तो ये नीचे से गायब हो जाएगा, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का हो जाएगा। तो ए स्क्वायर हो जाएगा तो ये करणी हट जाएगी, तो नीचे एक संख्या मिल जाएगी। उद्देश्य यही रहता है कि करणी यहां से हट जाए और इस रूप में हमको मिल जाए। तो क्या करेंगे, अंडर रूट सेवन माइनस टू से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो अंडर रूट सेवन माइनस टू ये पहले से है ही है, और हम लोग इसका और गुणा कर देंगे नीचे, अंडर रूट सेवन प्लस टू और अंडर रूट सेवन माइनस टू बराबर ए इंटू रूट सेवन प्लस बी। अब देखिए ये ए प्लस बी, ए माइनस बी टाइप की ये चीज हो गई। अब इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो सात होगा, और दो का स्क्वायर करेंगे तो चार, तो सात में से चार निकल गया, तीन बचेगा, तो नीचे तीन बचेगा। अब ऊपर देखिए ये वर्ग हो जाएगा, सात का सात में गुणा करेंगे, ये गुणा करिए या वर्ग करिए तो सात बचेगा, फिर दो का वर्ग करेंगे चार, फिर इन दोनों का गुणनफल माइनस चार अंडर रूट सात होगा। ये वाला इसमें फार्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इसमें फार्मूला में लगेगा। तो ए स्क्वायर यानी अंडर रूट सेवन का स्क्वायर होगा तो सात, दो का स्क्वायर होगा तो चार, ये माइनस वाला है, तो माइनस वाला यहां माइनस हो जाता है, बाकी यहां प्लस होता है। तो सात प्लस चार माइनस चार अंडर रूट सेवन बटा में, देखिए बटा में यहां पर सात, ये सात था और ये चार था, तो सात में से चार निकल गया, तीन बचा, और यहां बचा ए अंडर रूट सेवन प्लस बी। यहां पर हम लोग देखिए हल करेंगे तो सात चार ग्यारह हो जाएगा, तो यहां ग्यारह बटा तीन माइनस चार बटा तीन अंडर रूट सेवन बराबर ए रूट सेवन प्लस बी। अब यहां पर देखिए हम यहां तुलना करेंगे, तो बी बी के साथ कोई रूट वाली संख्या नहीं है, तो इसका मतलब बी इसके बराबर है। ए के साथ अंडर रूट सेवन है, तो यहां पर अंडर रूट सेवन किसके बराबर है, माइनस चार बटा तीन के, तो ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस चार बटा तीन। इससे तुलना करने पर ये वैल्यू मिलती है। जब भी इस तरह की बात होती है हम तुलना करके, जैसे बी बी के साथ कोई अंडर रूट वाला नहीं है, तो यहां पर भी कोई अंडर रूट ग्यारह बटा तीन के साथ नहीं है, तो बी ग्यारह बटा तीन के बराबर है, और ए के साथ अंडर रूट सेवन है, यहां भी अंडर रूट सेवन है, इसका मतलब कि इसके बगल में जो अंडर रूट सेवन के बगल में है वो माइनस चार बटा तीन, वो ए के बराबर है, तो ए बराबर माइनस चार बटा तीन होगा, तो इसका आंसर बी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन प्रतिशत पर आधारित है, तो इस क्वेश्चन में काफी अच्छी चीजें ये हैं कि ये काफी वैरायटी लिए हुए है। एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपया है थी, तथा उसका मासिक व्यय यानी खर्चा जो था वो 9,000 रुपया था। अगले वर्ष उसकी मासिक आय में यानी मंथली इनकम में 14% की वृद्धि हो गई, तथा उसके व्यय में यानी खर्च में भी 7% की वृद्धि हुई, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये पता करना है। देखिए एक परंपरागत तरीके से सवाल क्या लग सकता है कि 13,500 का 14% हम लोग वृद्धि पता करेंगे, या 9,000 का 7% वृद्धि पता करेंगे, फिर 13,000 में से 9,000 घटा करके उसका सेविंग पता करें कि कितना बचत था, फिर बाद वाला जो आया है उससे तुलना करें कि कितना अधिक हुआ, फिर उसको परसेंटेज में बदलें। ये काफी लंबा काम है, इसको हम लोग बहुत सरल तरीके से और जल्दी कैसे कर सकते हैं, तो एक तरीका आप ध्यान दीजिए
यहाँ आई मीन्स इनकम और ई मीन्स एक्सपेंडिचर, यानी ये आय है और ये खर्च है। इसका रेशियो यहाँ से पता चल जाएगा 13,500 और ये है 9,000, तो ये दो जीरो से दो जीरो कट गया, 15 नवा 35 से, अब 15 छक्का 90, 9/6 यानी 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6। इनकम और एक्सपेंडिचर में यानी आय और खर्च में 3:2 का अनुपात आ गया। इसका मतलब है कि 3 रुपया कमाता है और 2 रुपया खर्च करता है। तो यहाँ पर देखिए इनकम लिख दिया, यहाँ पर एक्सपेंडिचर और यहाँ पर सेविंग, सेविंग मतलब बचत, ये बचत है तो इनकम में से खर्च निकल जाएगा तो बचत होगा। 3 रुपया कमाता है, 2 रुपया खर्च कर देता है तो कितना बचेगा, 1 रुपया बचेगा। अब देखिए इसका, अब अगले साल इसका 14%, इसका 7% बढ़ता है, तो हम लोग 3 का 14 और 2 का 7, तो इससे अच्छा करने के लिए मैंने जल्दी से आने के लिए इसमें 100 से अगर दोनों तरफ गुणा कर दें तो ये 300 बन जाएगा, ये 200 और ये 100, ये 100 से हम लोग जानबूझ के गुणा किए ताकि आसानी से हम लोग परसेंट को समझ सके। अब देखिए, अब यह हमारा इनकम 300 रुपया हो गया, इस 300 रुपया इनकम में 14% की वृद्धि होती है, यानी 100 रुपया में 14 रुपया बढ़ता है तो 300 रुपया में 42 रुपया बढ़ेगा। तो अब नया जो इनकम अगले साल होगा वो 342 रुपये का होगा। अब खर्च 7% बढ़ा, यानी 100 रुपये में 7 रुपया खर्चा बढ़ा तो 200 रुपये में 14 रुपया खर्चा बढ़ेगा, तो ये 214 रुपया हुआ। अब इनका जो अंतर है, इनका जो अंतर है यही बचत है। तो देखिए 2 में से यानी 12 में से 4 घटा देंगे तो 8, और यहाँ पर 3 बचा, 3 में से 1 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, यानी पहले जो है इनकी बचत 100 रुपया होती थी, अब इनकी बचत 128 रुपया है। तो बचत कितना बढ़ गया, 28 रुपया। तो 28 रुपया कितने पर बढ़ गया, पहले 100 था अब 28 और बढ़ गया, तो 100 पहले था अब 28 और बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया, 28% बढ़ गया। तो बचत इसमें जो आंसर दिए हुए हैं 7, 21, 28 और 35, तो इसका आंसर 28% होगा, यानी बचत में 28% की वृद्धि हो गई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी प्रतिशत कहिए या चक्रवृद्धि ब्याज कहिए, दोनों पर आधारित है। एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है, 10% बच्चे एक गांव में बढ़ जाते हैं। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो तो वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी, यानी 2003 से 2006 आने में कितने साल लगेंगे, 3 वर्ष लगेंगे। अब एक तरीका यह है कि जनसंख्या जो वृद्धि होती है वो चक्रवृद्धि ब्याज में होती है, तो ये मिश्र धन और ये मूलधन 1+R/100 वर्ष की संख्या है। तो ए मीन्स जो जनसंख्या मिलेगी आपको, ये मिश्र धन है, पी यहां पर दिया है 2000 और 1 और आर दिया है 10%, यानी 10/100 और ये है एन बराबर 3 वर्ष है। एक तरीका ये है कि आप इस तरीके से इसे लगाएं। दूसरा तरीका ये है, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ए का जो मान आएगा वही इसका आंसर है। दूसरा तरीका हम लोग क्या समझते हैं जो इससे भी आसान है, दूसरा तरीका है कि ये जो 10% है इसको हम लोग 1/10 लिख सकते हैं। ये जो 10 है ये हमारे लिए मूलधन है यानी प्रिंसिपल है, और ए यानी मिश्र धन इसको अमाउंट कहते हैं, तो 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11 रुपया, पी 10 रुपया है और उस पर 1 रुपया ब्याज है तो वो हो गया मिश्र धन। ब्याज मूलधन में जब जुड़ जाता है तो देखिए ए जो है मिश्र धन है, इसमें मूलधन में जब ब्याज जुड़ जाता है तो ये मिश्र धन बनता है। यहां पर क्या करना है कि यहां पर हम मूलधन लिखेंगे और ये ब्याज लिखे, ये मिश्र धन है, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल माने मूलधन। तो मूलधन 10 है और प्रिंसिपल आ गया 11, ये एक साल का है, दूसरे साल फिर 10 और ये 11, फिर तीसरे साल फिर 10 और ये 11। अब इन तीनों का गुणा हो जाएगा, तो यहां गुणा होगा तो ये 1000 हुआ, इसको गुणा करेंगे तो 1331 होता है। देखिए 11 में 11 का गुणा करेंगे तो 121 होता है, फिर 11 का गुणा करेंगे तो 1 और ये 2 1 3,
फिर 2 × 3 = 1331 होता है। तो 1331 के बराबर है, यानी 1000 जनसंख्या अगर है तो 3 साल में ये 1331 हो जाएगी। हमारे प्रश्न में जनसंख्या ये 2000 है, तो 1000 और 2000 में इसमें 2 का अगर गुणा कर देंगे तो ये 2000 हो जाएगा। तो इसमें भी 2 का गुणा आपको करना पड़ेगा, तो 2 × 2 = 2, 3 × 6 = 2, 3 × 6 = 2, यानी 2662 जनसंख्या हो जाएगी। तो 2662 ये वाला आंसर है। तो 3 साल में यानी 2006 में जो जनसंख्या मिलेगी वो 2662 होगी। इस तरीके से भी आप जल्दी से पा सकते हैं और इसे भी हल करके पा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे एग्जामिनेशन में उसे करिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ये प्रॉफिट और लॉस पर ये क्वेश्चन है कि एक कुर्सी को 720 रुपया में बेचने पर, 720 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है, वह इस कुर्सी को कितने में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। देखिए हानि और लाभ की बात क्रय मूल्य पर होती है, यानी कास्ट प्राइस पर होती है। तो हम आपको 2 तरीके बताते हैं। एक तरीका जो आप हो सकता है आपको समझ में आए बिल्कुल बेसिक से, मान लीजिए उसका क्रय मूल्य 1 रुपया है, उसका क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो इस क्रय मूल्य पर 25% हानि पर वो बेच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 25% कम पर बेच रहा है, यानी 100 रुपया में 25 रुपया कम पर बेच रहा है, तो पैसा वो 75% ही ले रहा है। तो 75% को 75/100 लिख सकते हैं। तो इस क्रय मूल्य का 75% लिया तो वो 720 रुपये के बराबर था, कितना इतने में ही बेचा। अब इसको काट दीजिए तो 25 × 75 = 100। अब देखिए ये 3 से ये 72 कट जाएगा, 24 × 72 होता है, तो ये 240 हो जाएगा, और 240 × 24 = 96, तो x बराबर 960 रुपया आ गया। अब ये क्रय मूल्य आ गया, अब इस क्रय मूल्य पर 25% लाभ लेकर बेचना है, तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 960 × 125%, यानी 25% लाभ लेकर बेचना है, तो 125/100, तो 25 × 125 = 100, 4 से 24 = 96 यानी 240, 24 × 125 = 120 यानी यहाँ पर आ जाएगा 1200 रुपया। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आ गया 1200 रुपया, जो कि आपका ये आंसर है। एक दूसरा तरीका ध्यान से समझिएगा, ये जो 720 रुपया है ये विक्रय मूल्य है और ये हानि पर मिला है, 25% हानि पर मिला है, इसका मतलब कि क्रय मूल्य इससे बड़ा रहा होगा। तो 720 को बड़ा करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 100/75 करेंगे, ये भिन्न यहां पर लगाएंगे। यहां पर भी देखिए x बराबर निकालते तो 100 इधर जाता, 75 नीचे जाता, यही चीज यहां हम लोग डायरेक्ट करेंगे। ये क्रय मूल्य आ गया, अब इस क्रय मूल्य पर, इस क्रय मूल्य पर ये क्रय मूल्य आ गया, इसको हल करेंगे तो 960 आएगा। इस क्रय मूल्य पर 25% लाभ लिया गया, यानी 125/100। अब इसको हल कर देंगे तो आपको एक लाइन में आंसर आएगा। तो देखिए इसे हल करते हैं, यहां पर ये 100 से 100 कट गया, 25 × 125 और 25 × 75 और 24 × 72 240, ये 240 हो गया, 24 × 5 यानी 240 × 1200, तो 1200 रुपया ये डायरेक्ट आ गया। तो ये आंसर बहुत जल्दी से एक लाइन में देता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का ही क्वेश्चन है कि 250 केले बेचने पर, 250 केले बेचने पर 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालिए। तो जो लाभ प्रतिशत होता है ये बहुत आसान सी बात कंसेप्ट को समझनी होगी कि 200 केले, ध्यान दीजिएगा, 250 केले बेचता है तो 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर उसे लाभ होता है। यहां पर क्या समझना है कि 200 केले बेचकर 50 केलों का लाभ ले रहा है, यही बात समझनी है। 200 केला बेचकर 50 केलों का लाभ ले रहा है, अगर वो 100 केला बेचता तो कितना केलों का लाभ मिलता, ये लाभ प्रतिशत है। तो 100 × 200 और 2 से 50 काट देंगे तो 25, तो कितना हो गया, 25% का इसे लाभ होगा, प्रतिशत लाभ।
इसमें जो मेन बात समझनी थी वो यही थी, यहाँ पर जो प्रश्न है कि 250 केले जब वो बेचता है तो उसमें से 50 केलों का जो विक्रय मूल्य है वही उसका लाभ होता है। तो हम इस बात को ऐसे कहें कि 200 हर 200 केला बेचने पर 50 केलों के लाभ, 50 केलों के दाम के बराबर उसे या 50 केला का लाभ होता है। तो 100 केला रहता तो कितना, तो 25% यानी 25 का लाभ होता, तो 25% का लाभ होता, तो इसका आंसर आ गया 25। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन काम समय चाल या यूनिटरी मेथड का है कि ए ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी तथा सी मिलकर उसे 3 घंटे में तथा ए और सी मिलकर 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा ये बताना है। इस क्वेश्चन को मैं आपको एलसीएम टेक्निक से बताऊंगा, बहुत ही आसान होगा, तो आइए इसे ध्यान से समझिए। ए 4 घंटे में करता है, देखिए ए 4 घंटे में यानी 4 आवर में, बी प्लस सी यानी बी और सी मिलकर के 3 आवर में, ए और सी मिलकर, ए प्लस सी मिलकर के इसे 2 आवर में पूरा करते हैं, इस काम को पूरा कर लेते हैं। अब आपको करना क्या है कि ये 4, 3, 2 का एलसीएम ले लेना है, तो एलसीएम आपको ले लेना है 4, 3, 2 का, तो इसका एलसीएम 12 हुआ। हम ये मान लेते हैं कि 12 यूनिट काम करना है, या आप ये समझ लीजिए कि 12 ठीक खिलौने बनाना है, आप ये समझिए 12 यूनिट काम करने हैं यानी 12 खिलौने बनाने हैं, आप ये समझिए। तो 12 खिलौने बनाने के लिए ए 4 घंटा लेता है, तो यहां हमको 1 घंटे में सबकी बात देखनी है कि 1 घंटे में जो काम कर लेगा वही कार्य की क्षमता होती है, तो यहां पर कार्य की क्षमता से ही काम को आंका जाता है। तो यहां पर हम लोग सभी का 1 घंटे में कार्य की क्षमता निकालेंगे, तो ए अगर 4 घंटे में 12 खिलौने बनाता है तो ए 1 घंटे में यानी 1 घंटे में कई खिलौने बनाएगा, तो 12/4 यानी 3 खिलौने बनाएगा यानी 3 यूनिट ए बना लेगा। बी और सी मिलकर के, बी और सी मिलकर 1 घंटे में क्या करेंगे, तो बी और सी 3 घंटे में 12 खिलौने बनाते हैं, तो 1 घंटे में क्या करेंगे, 12/3 यानी 4 यूनिट यानी 4 ठीक खिलौना बनाएंगे। और ए और सी मिलकर, ए और सी का 1 घंटे का वर्ग क्या है, तो 12/2 यानी 6 यूनिट का काम है। यहां पर जो बात समझने वाली वो ये देखिए, ए का अकेले का काम दिया है 4, यानी ए अकेले 3 यूनिट काम करता है, और यहां ए और सी मिलकर 6 यूनिट है, तो ए अगर 3 यूनिट काम करता है और ए सी कर, तो सी का काम का यूनिट कितना हो गया, 3 यूनिट सी का हो गया। यहां बी और सी मिलकर 4 यूनिट काम करते हैं, बी और सी का 1 घंटे का जो काम है वो 4 यूनिट का है, और सी 3 यूनिट करता है, तो बी का कितना यूनिट हो जाएगा, बी का 1 घंटे का 1 यूनिट काम हो जाएगा, यानी बी 1 घंटे में 1 खिलौना बनाता है और उसे 12 खिलौने बनाने हैं तो कितना टाइम लगेगा, 12 घंटा, तो बी को काम पूरा करने में 12 घंटे लगेंगे। देखिए 1 घंटा में 1 यूनिट यानी 1 खिलौना बनाता है और 12 खिलौने बनाने हैं तो 12 घंटा लगेगा, तो बी को कितना टाइम लगेगा, 12 घंटा लगेगा। आइए अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है, 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है, इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा, इस चीज को हम लोगों को निकालना है। देखिए ब्याज की दर नहीं मालूम है, धन कितना है ये नहीं मालूम है, धन के बारे में सिर्फ इतना ही है कि 20 वर्ष में वो दोगुना हो जाता है। तो देखिए जो मिश्र धन होता है वो मूलधन और ब्याज को जोड़ करके बनता है, मिश्र धन को हम लोग ए कहते हैं यानी ए मीन्स अमाउंट, मूलधन को पी और ब्याज को एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज कहते हैं। अब यहां जो मेन बात समझनी है उसे ध्यान दीजिएगा, 20 साल में वह धन यानी ये जो धन पी है ये दो गुना हो गया यानी 2p हो गया, यानी मिश्र धन क्या हो गया, p का दो गुना हो गया, तो p तो यही रहा
इसका मतलब कि ये जो ब्याज है वो ब्याज जो है 20 साल में मूलधन के बराबर हुआ होगा, तभी ये धन दो गुना हुआ, क्योंकि पी और पी जोड़ेंगे तो टू पी तभी होगा। इसका मतलब कि 20 साल में 20 वर्ष में वह धन मूल धन के बराबर हो जा रहा है 20 साल में। अब कह रहा है कि तीन गुना होना है, यानी यहां पर 3p होना है, तो ये मूलधन तो वही रहेगा। ये जो ब्याज है ये जब 2p होगा तब जाके काम बनेगा, तो ये ब्याज पी यानी मूलधन के बराबर 20 साल में होता है, तो मूलधन के दोगुना कितने साल में होगा? 20 साल और लगेगा, नहीं 20 साल में पी बनता, फिर 20 साल लगेगा तो एक और पी बनेगा, तो 20 दुना 40 साल, यानी तीन गुना होने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? 40 वर्ष लगेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 40 वर्ष होगा। 40 वर्ष में वो धन तीन गुना हो जाएगा। इस कंसेप्ट को आप ध्यान में रखिएगा, आपसे इस तरह के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो मित्रों, मैंने ये 13 क्वेश्चन ऐसे लिए जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से मेरी नजर में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। मैं प्रयास किया कि इसका एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इसमें और भी जो गूढ़ चीजें हैं आपको बताऊं, और इसे शॉर्ट तरीके से जल्दी से कैसे हल हो ये भी बताऊं। मैंने अपना पूरा प्रयास किया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर अपने कमेंट में लिखिएगा, और मैं आपके लिए मैं भी प्रयासरत हूँ। जिस दिन परीक्षा होगी उसके 2 दिन पहले मैं चलते चलते 15 मिनट का एक ऐसा टिप्स लेकर आऊंगा जिसे आप देख करके कम से कम 30 क्वेश्चन में 5 से 6 क्वेश्चन आप उस 15 मिनट के टिप्स में आपको जरूर मिल जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।